जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी एंगल ग्राइंडर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉब्लम हमारी होती है स्विच की वजह से, ये स्विच। तो अगर हमको इसको चेंज करना है एंगल ग्राइंडर में, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेरे पास अल्फा का एंगल ग्राइंडर है। नॉर्मली ये डिवाल्ट मॉडल पे होता है, इसका मॉडल ऐसे होता है कि इसमें स्विच नीचे होती है, जो बॉस मॉडल होता है उसमें साइड में होती है। उसका मैं अलग से बताऊँगा, कभी वीडियो निकालूंगा। लेकिन अभी जो हमारे डिवाल्ट एंगल ग्राइंडर है, जो मॉडल है, डिवाल्ट में भी सेम ही होता है, और इस जिसमें स्विच नीचे होती है, इसकी स्विच कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली इसकी स्विच चेंज करने के लिए हमको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, जिसमें मतलब स्टार और एक फ्लैट भी चाहिए रहेगा, क्योंकि हमको ये जो इसका कार्बन ब्रश वाला स्क्रू होता है इसको खोलने के लिए, और एक स्विच। ये स्विच आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी मिलेंगी, 100 रुपये में, 60 रुपये में भी अवेलेबल है, और 60 से 100 रुपये में मिल जाती है। ये 100 रुपये में लिया था क्योंकि ये कार्बन टर्मिनल की स्विच है, थोड़ा क्वालिटी में अच्छी है। तो ये स्विच मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके ये दोनों स्क्रू हमको खोल लेनी है, एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू यहाँ है, इसको खोल लेना है, और साथ में इसके साथ ये इसका स्क्रू जिसका कार्बन ब्रश वाला स्क्रू होता है, ये भी हम लोग खोल लेंगे। तो ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद हमको क्या करना है। जैसे हमें इसका कार्बन का स्क्रू खोलना है, तो नॉर्मली ये स्क्रू इसको खोल लेंगे, और ये इसका फ्लैप होता है कार्बन ब्रश के लिए, इसको सिंपली हम लोग ऐसे निकालेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको मशीन में कार्बन ब्रश भी बदलना है तो यहीं से बदल जाती है, ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम लोग हल्का ऊपर करके इसमें कार्बन ब्रश बदल देते हैं। तो चलिए, अब मैं जैसे ये कार्बन ब्रश वाला स्क्रू खोल लिया हूँ और इसका फ्लैप भी हटा लिया हूँ, तो अब ये पीछे वाला दोनों स्क्रू खोल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके दोनों स्क्रू ढीले कर लिए हैं, तो हमको सिंपली इसका ये जो पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है ग्राइंडर का, इसको पीछे कर लेना है, और इसका ये ग्लैंड भी हम लोग जो है ये तार के साथ ऐसे पीछे ले लेंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह करते हैं इसको, बस नॉर्मल पीछे कर लेना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका ये पार्ट पीछे कर दिया है, और ये हमारी स्विच हमको अब रिवील हो गई है कि कहाँ पे है। तो इसको क्या करना है, हमको सिंपली बस इसको ऐसे ऊपर कर देना है, एक लॉक होता है इसमें, ये लॉक होता है ये, इस लॉक को हम लोगों को हल्का सा पीछे करके इसको बस जस्ट ऊपर कर लेना है। आप ये भी कर सकते हो, आप इसको पीछे ही लोगे, ये पूरा आपका जो पूरा एरिया है स्विच वाली और ये वायर वाला, ये भी पीछे हो जाएगा। लेकिन हमको जस्ट सिंपली स्विच निकालना है, तो स्विच हमको ऐसे ही ला के ये ऊपर आ जाएगा। इसमें दोनों हाथ लगेंगे, तो मैं करके आपको बताता हूँ। जैसे चलिए एक ही हाथ से हो जा रहा है, तो कर देता हूँ। इसमें तार आपको अच्छे से देख लेना है, एक तार आपके जो ये फील्ड में जाती है, और एक आपका यहाँ पे आता है ये तार आपको देख लेना है, और ये तार फील्ड वाला निकाल लेना है बाद में। इसमें ये तार के लिए स्क्रू होता है, इसको हम लोग ढीला कर लेंगे और निकाल लेंगे, इसको बचा के रखना है। वैसे इसमें दिया रहता है एक, लेकिन फिर भी बचा के रखते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। और ये टर्मिनल यहाँ से तार की वाला हमारा ढीला हो गया है, ऐसे ये वाला तार निकाल लेंगे, और फिर स्विच जो है ये ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगी ऐसे बाहर। नॉर्मली हमको ये तार निकाल लेना है, और फिर इस स्विच को अपनी नई स्विच से हमको रिप्लेस कर देना है। जैसे कि मैंने स्विच बदल दी है, और सिंपली आपको ये तार अच्छे से कस लेना है ये वाला। इसमें आप चाहो तो कपलिंग भी लगा सकते हो, बट वैसे तार कस लोगे तो भी चलेगा। और ये इसको टाइट कर लेना है, और स्विच इसमें बैठा के वापस से हमको ये पूरा सिस्टम जो है इसमें सेट कर लेना है। तो जैसे बोला था वैसे ही सारे स्क्रू हमको वापस से कर देने हैं। आपके कार्बन ब्रश वाला भी आपको बदल देना है, तो ये स्क्रू कस देना है। कार्बन ब्रश बदलना होगा तो यहीं से बदला जाएगा। और फिर देखिए आपकी स्क्रू लग गई है, जो आपका स्विच यहाँ पे लग गया है। एक बार ऑन करके चेक कर लीजिएगा, आपकी मशीन चलनी चाहिए। बाकी बहुत सिंपल है स्विच बदलना, आप खुद ही बदल सकते हो, अपने घर पे बदल सकते हो, आपको किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।